वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 15 देखने वाले हैं। ये 7 अगस्त की वर्कशीट है, इसके अंदर हम क्लास 9th की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। आज हम देखेंगे मैथ्स, फिर साइंस और फिर हिंदी। आइए चलते हैं मैथ के टॉपिक की तरफ। मैथ का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जो मुझे लगता है 9th क्लास के लिए बहुत ही ईजी है। ये काइंड ऑफ रिकैप है जो आगे आने वाली वर्कशीट के लिए है। लीनियर इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक इक्वल्स टू होना बहुत जरूरी है, और लीनियर की जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है उसकी डिग्री जो होती है वेरिएबल की वो होती है 1। मतलब यहाँ पे x की जो पावर है वो होती है 1। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होगा, या तो पूरा क्वेश्चन x में होगा, या तो पूरा क्वेश्चन y में होगा, या तो पूरा क्वेश्चन z में होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस टाइप की फॉर्म को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट हैंड साइड को कहते हैं ऑब्वियसली राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान चीज है समझनी। तो अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कई वर्कशीट में कर चुका हूं, मैं पहले इसका अनसॉल्व वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाऊंगा। ये जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो करके दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से मेथड समझ जाए। फिर उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो सॉल्व क्वेश्चन है, ये जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, वो आप खुद अटेम्प्ट करें और खुद चेक कर लें, ताकि आपको कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आइए चलते हैं इसके अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7x-9=16, जो इसका राइट हैंड साइड है वो 16 है, जो कि कॉन्स्टेंट है। माइनस नाइन भी कॉन्स्टेंट है, 7x जो है एक वेरिएबल हो जाता है। यहाँ पे 7 कॉन्स्टेंट है, बट वो x के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा था वो वेरिएबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल को एक तरफ। तो यहाँ पे माइनस नाइन को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16+9, तो यहाँ पर आ गया 25। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 और x अकेले रह गए हैं, तो 7x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ होकर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 25/7 हो गया। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, जो आपको ऊपर कार्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करा हुआ है, ये आप देख लें। मैंने इसको डिवाइड करा और इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, QRD। तो 3/4/7x का आंसर हो गया। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 5x+9=5+3x। जैसे कि मैंने बताया कि हम वेरिएबल को एक साथ करना चाहते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ। तो मैंने जैसे कि एरो में दिखा रखा है कि मैं 3x को लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा, तो 3x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो उधर आके हो जाएगा नेगेटिव। तो उसी तरीके से 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 5-9 हो गया -4। तो यहाँ पे इंटीजर्स के अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, 5-9 -4 होता है, और 5x-3x हो गया 2x। सो अगर बेसिक्स में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इसके रिगार्डिंग अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। सो -2/4, यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो -2/4 आपको मिल जाएगा आंसर, -2। नंबर 3 की तरफ, अगेन 15/4 एक कांस्टेंट है, चाहे वो फ्रैक्शन है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो एक कांस्टेंट है। -7y ये पूरा का पूरा वेरिएबल हो गया, तो इक्वल्स टू 9 कांस्टेंट। तो मैं कांस्टेंट को इधर लेकर आऊंगा 9 के पास, तो यहाँ पे 15/4 बच्चों को लगता है नेगेटिव है, बट हम हमेशा इसके लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव -15/4। और यहाँ पे -7y भूलना मत, माइनस लिखना। तो हम इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4, यहाँ पे 9×4 हो जाएगा एलसीएम लेकर, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36-15/4, मतलब 21/4 आ गया।
अब यहां पर -7, ओके -7 है तो यहां पर आएगा -7, यहाँ पे हम यहाँ पे -7 लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3 -3/4, आंसर हो जाएगा -3/4, तो इसको करेक्शन थोड़ा सा कर ले। आंसर नंबर 4 में x/2 + 7/2 इक्वल टू 9/2, तो 7/2 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 9 - 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2, 2/2 1 हो गया, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है यहाँ पर डिवाइड, तो उधर जाके दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 आंसर आ गया 2। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आगे चलते हैं साइंस की वर्कशीट की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट है 15, साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 9th की ये वर्कशीट है और 7 अगस्त की। तो इसके अंदर हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये वर्कशीट कंटिन्यू कर रहे हैं एटम्स के बारे में पढ़ते हुए, लास्ट वर्कशीट में भी हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। आइए चलते हैं देख लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में क्या कह रहे हैं। जो साइंटिस्ट है डेल्टन, जॉन डेल्टन, जिनके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है एटम्स के बारे में, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था एटॉमिक मास के बारे में, किस तरीके से आप वेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को कैसे वेट करते हैं, तो आप केजीज में वेट करते हैं, आपका वेट केजीज में होगा, 50 kg, 60 kg और 40-45 kg, जो भी आपका वेट है। तो क्या हम एटम्स को उस तरीके से वेट कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं। एक अगर आप सैंड का पार्टिकल भी उठाएंगे ना, मिट्टी का एक दाना, उससे भी छोटा होता है वो, जो आंखों से नहीं दिखाई दिया जा सकता। तो उसका जो वेट है वो एक पुराने तरीके से, मतलब जो हम अपना इंसान अपना वेट करते हैं, या फिर आप सब्जी लेने जाते हो उस तरीके से आप चीजों को वेट करते हो, तो आप उस तरीके से एटम को एक वे नहीं कर सकते। तो जॉन डेल्टन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम इसको वे करें कैसे, कौन सा ऐसे मैकेनिज्म लेकर आए ताकि हम उसको वे कर सकें। तो 19th सेंचुरी में जब ये जॉन डेल्टन इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उनको कुछ एलिमेंट्स का तो वे पता चल गया था, तो वो ट्राई कर रहे थे कि एक वे को दूसरे वे से मेजर करने की। तो मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। सपोज आप कभी सब्जी लेने जाएं, तो सब्जी वाला क्या करता है, कई बार आपने आधा किलो सब्जी लेनी थी, तो जो आम है सपोज करो, या आप सब्जी लेने गए या फ्रूट लेने गए हो, आम सपोज आप करो ले रहे हो, एक पूरा पीस डाला जो 500 ग्राम से भी थोड़ा सा ज्यादा है, और उसके पास 100 ग्राम का वेट नहीं है, तो सपोज करो उसको पता है कि ये जो पत्थर है उसका वेट 100 ग्राम है, तो वो उससे मेजर कर लेता है। तो इसका मतलब उसको 100 ग्राम उस पत्थर का वेट पता था, तो उसने उसको डाला और उसने बता दिया कि इसका वेट जो है 500 + 100 = 600 ग्राम इसका है। तो इसका मतलब उसने पत्थर का वेट पहले से जानता था। उसी तरीके से एलिमेंट्स में जॉन डेल्टन कुछ एटम्स का वेट, कुछ एलिमेंट्स का वेट पहले से जानते थे, जिसमें से एक था कार्बन। कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन का जो वेट था वो 12 था, अप्रोक्सीमेटली 12 था। तो उन्होंने हर एक चीज को कार्बन से मेजर करना स्टार्ट कर दिया कि अगर कार्बन का वेट 12 है, तो उन्होंने सामने रखा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या था उसका 1/12 था, हाइड्रोजन क्या था 1/12, 1/12 का मतलब हो गया 12वां हिस्सा, तो इसका मतलब 1 एटॉमिक यूनिट हुई उसकी, उसका वेट हुआ 1। अगर कार्बन का वेट 12 हुआ तो हाइड्रोजन का वेट हुआ 1। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन को जब उन्होंने वेट करा, तो उस तरीके से उनको क्या करा, 16 such pieces उनको चाहिए थे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का वेट हो गया 16 एटॉमिक यूनिट। तो मैं एक और बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। उन्होंने क्या करा, कार्बन का जो वेट था वो जानते थे, वो था 12, तो इसीलिए उसको C12 आइसोटोप भी बोला जाता है। तो उसने क्या इसको समझा कि एक वाटरमेलन की तरह समझते हैं इसको, और एक वाटरमेलन का वेट है सपोज करो 12, तो 12 पीसेज में हमने इसको बांट दिया। अब ये जो एक पीस है, अगर इसको और हाइड्रोजन एटम को अगर हम सामने रखें तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया, 1 एटॉमिक
एटॉमिक यूनिट। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए ऐसे 16 पीसेस चाहिए थे, तो इसलिए ऑक्सीजन का जो वेट हो गया वो हो गया 16 एटॉमिक यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट, तो पहले इसका जो मेजर करने का, जैसे हम लिखते हैं केजी, अपना जो वेट हम मेजर करते हैं वो हम केजी में करते हैं, तो एटम्स का जो वेट मेजर करते थे पहले करते थे ए एम यू, पहले होता था ए एम यू में, और उससे पहले होता था डीए में। क्यों डीए? क्योंकि डाल्टन ने दिया था तो हम पहले इसको डीए लिखते थे। तो कुछ पुरानी बुक्स में अगर डीए लिखा हो कोई, मतलब एंशियंट बुक्स अगर आप साइंस का जो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप घबराना मत, वो सही है। तो पहले डीए उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पहले डीए करते थे, फिर ए एम यू आया, और आज की डेट में हम यू यूज करते हैं। यू हमारा हो जाता है एक स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे केजी हो गया वैसे ही यू हो गया। तो ये तो हो गई कहानी एटॉमिक मास की। इसके बारे में और भी डिटेल हम आगे आने वाली वर्कशीट में करते रहेंगे, चिंता ना करें, आगे बढ़ते हैं। अब एटम्स जो है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं नेचर में, बिकॉज एटम्स इतने छोटे हैं तो वो एटम क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और दो चीजों में कन्वर्ट करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है आयन। सो मॉलिक्यूल दो तरीके में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सेम मॉलिक्यूल आपस में मिलता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो बन जाता है एक मॉलिक्यूल O2, एक सिंगल होता है तो वो एलिमेंट रहता है, मतलब एटम, तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल O2। अगर एक एटम दूसरे एटम से, मतलब डिफरेंट एटम से अगर वो रिएक्ट करता है तो भी एक मॉलिक्यूल बनता है, बट उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम कंपाउंड। इसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्योंकि वो सेम है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब सपोज करो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो H2O बन रहा है एक मॉलिक्यूल, जो क्या है, कंपाउंड। दूसरा होता है आयन। आयन के बारे में हम आने वाली वर्कशीट में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज के लिए अब इतना समझ लीजिए। आयन्स बेसिकली एटम में दो तरीके से होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो यहाँ पर Na+ जो पॉजिटिव है जो ऊपर प्लस लिख दिया जाता है, और नेगेटिव हो तो ऊपर माइनस लिख दिया जाता है। तो यहाँ माइनस थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा वर्कशीट में, चिंता मत करें, वो माइनस लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने डिस्प्ले में लगा दूंगा अभी, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी क्वेश्चन के आंसर सिमिलर ही हैं जो हमने डिस्कस करा है। इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट? आपको पता ही है, नो, दे आर नॉट सेम। सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या है, आपको अभी पता है, एटॉमिक मास यूनिट है यू, तो हम इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है उसका वेट। हाउ डज एटम एग्जिस्ट इन नेचर? एटम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, एक तो मॉलिक्यूल और एक आयन, हम डिस्कस कर लिया है इसके बारे में भी। व्हाट टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट इन आयन? तो हमने अभी भी डिस्कस करा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एग्जांपल्स भी आपको उस आंसर में मिल जाएंगे। आइए चलते हैं आंसर की तरफ, और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट हिंदी की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 15। ये वर्कशीट प्रत्यय पर बेस्ड है। ऑलरेडी आप उपसर्ग पर एक वर्कशीट कर चुके हैं और उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है प्रत्यय पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के शुरू में लगते हैं, तो वो मूछों की तरह होते हैं और शब्दों के शुरू में लगते हैं। लेकिन प्रत्यय, प से प्रत्यय और प से पूंछ, तो प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और शब्दों के अंत में लगकर ये नए शब्द बनाते हैं या शब्दों का मतलब बदल देते हैं। तो आइए जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। तो पढ़ते लिखते समय और कभी किसी से बात करते समय, बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए नए शब्द जुड़कर उसे नया आकार दे देते हैं। जैसे मीठा के पीछे ई लग जाता है तो मिठाई बन जाता है,
या आस लग जाता है तो मिठास बन जाता है। तो इसी तरह से ये जो पीछे वर्ण या कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जैसे ई और आस इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल में। तो इसके द्वारा संज्ञा, विशेषण आदि बनाए जाते हैं। तो जब हम ये नए शब्दांश जोड़ देते हैं या नए वर्ण जोड़ देते हैं तो इनसे संज्ञा बनती है, विशेषण बनती है, तो इस तरह के और नए शब्द बनते हैं। तो प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इसका मतलब है कि प्रत्यय का मतलब है शब्दों के साथ लेकिन शब्दों के बाद में चलने वाला या लगने वाला। तो प्रत्यय जो है वो अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही कोई अलग से प्रयोग होता है। तो जैसा हमने आपको बताया, उपसर्ग जो है वो पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में पूंछ की तरह पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया हुआ है, अक एवं ता। तो इनका कोई अपना कोई अर्थ नहीं होता है और ये इंडिविजुअली सेपरेटली कहीं अलग से यूज नहीं होते हैं, लेकिन नए मूल शब्दों के साथ या धातु शब्दों के साथ ये जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है पट। पट प्लस अक बन जाता है पाठक, और मनुष्य प्लस ता बन जाता है मनुष्यता। तो प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, तो इसमें दो शब्दों की संधि नहीं होती, बल्कि जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन होगा तो वो पहले की तरह ही बना रहता है। तो जैसे ये मनुष्य है तो इसमें अंत में व्यंजन है, तो इसमें जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो वो एज इट इज मनुष्यता बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये पट प्लस अक है तो ये जो अ है इसमें स्वर की ध्वनि है, तो इसलिए ये पाठक बन जाएगा। तो ये जो है, ये जो आपका शब्द है उसी में ये ज्वाइन हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है प्रत्यय के कौन से भेद हैं। तो प्रत्यय के मूलतः दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया का जो मेन वर्ड है या धातु रूप जो है उसमें जोड़े जाते हैं। क्रिया मतलब वर्ब, मतलब कि एक्शन वर्ड्स, वो वर्ड्स, वो शब्द जो कोई कार्य दिखाते हैं, कोई एक्शन डिनोट करते हैं, उन्हें क्रिया कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों में, ऐसे क्रिया में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिख प्लस अक, लिखना जो है, लिख तो एक मूल शब्द हो गया, धातु शब्द हो गया, और उसमें अगर मैं प्रत्यय अक जोड़ दूं तो बन जाता है लेखक। तो यहाँ अक जो है वो कृत प्रत्यय है क्योंकि ये क्रिया में लगा है, और जो शब्द लेखक बना है वो कृदंत शब्द है। अब कृदंत शब्द जो है और जो ये कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के भी दो प्रकार हैं, एक है अविकारी कृत प्रत्यय और एक है अविकारी कृत प्रत्यय। तो ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। तो कृत प्रत्यय के जोड़ने से क्या होता है कि संज्ञा और विशेषण बनते हैं। तो जब हम क्रिया में कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो कृत प्रत्यय माना जाएगा जो प्रत्यय लगा है, और जो शब्द बनेगा वो कृदंत शब्द होगा, और साथ ही जो शब्द बनेगा वो या तो कोई संज्ञा होगी या विशेषण होगा। तो हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना अगर हम हटा दें तो उसका जो भाग बच जाता है वही धातु होता है या मूल शब्द होता है। तो हिंदी में आप कैसे क्रिया बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स आप कैसे बोलते हैं, जैसे लिखना, चढ़ना, पढ़ना, गाना। तो इसमें से अगर हम ना हटा दें तो जो शब्द बचता है, जैसे लिखना में बच जाएगा लिख, पढ़ना में बच जाएगा पढ़, गाना में बच जाएगा गा। तो ये सारे जब हम ना हटा दें तो जो शब्द बचता है वही धातु या मूल शब्द कहलाता है। जैसे कि पढ़ना की पढ़, कहना का कह, चलना का चल, ये धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। तो इसी में आपको कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो फिफ्थ सेक्शन आप देख पा रहे हैं ये इसके उदाहरण है, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। तो इस टेबल में
यहाँ ये वाली टेबल में पहला जो कॉलम है ये आपको यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे कि अक, अन, अना, अनिय, आ, आई, आन, ई, या, इत। तो ये आपके प्रत्यय हैं और ये आपके मूल शब्द या धातु शब्द या क्रिया हैं, जैसे लेख, पाठ, क्री, गै, पाल, सह, नेचर, घट, तुल, वंद, विद। तो ये सारे जो हैं आपके मूल शब्द हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं इस कॉलम में, और इनको जब जोड़ते हैं, इन प्रत्यय को जब मूल शब्द में जोड़ते हैं तो ये वाले नए शब्द बनते हैं, और ये जो नए शब्द बने हैं ये कृदंत हैं या संज्ञा और विशेषण हैं। तो ये प्रत्यय जो है ये कृत प्रत्यय हैं, ये मूल धातु शब्द हैं और ये बन गए कृदंत शब्द। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई भी एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये प्रत्यय है आ, उसमें मूल शब्द में मूल शब्द है सुख, सूख, और सूख में जब आ आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा सूखा, और सूखा एक विशेषण है, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये बता रहा है कि ये जो चीज है ये कैसी है, तो ये सूखी है। तो जैसे कपड़ा सूखा हुआ है, तो वो कपड़ा कैसा है, वो सूखा हुआ है, तो ये विशेषण बनाया है इसने यहाँ पर। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, जो दूसरा प्रकार है प्रत्यय का वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित वो प्रत्यय है जो क्रिया को छोड़कर अन्य जो शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो है उनमें जुड़ते हैं। तो वो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं और क्रिया में नहीं जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय से बने जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धितांत शब्द कहा जाता है। जैसे कि सेठ प्लस आनी बनेगा सेठानी। यहाँ आनी जो है वो तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी जो है वो तद्धितांत शब्द है। तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो अगेन ये जो पहला कॉलम है ये प्रत्यय का कॉलम है, और ये कौन से प्रत्यय हैं? जी हाँ, ये है तद्धित प्रत्यय, और ये जो दूसरा कॉलम है ये आपके मूल शब्द है या धातु शब्द है, और ये जो मूल शब्द है ये इनमें से कोई भी क्रिया नहीं है, ये जो है ये सारे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, और इनसे जुड़कर जो शब्द बनेंगे उन शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर शब्द है आपका पंडित, तो अब पंडित में जब आइन जुड़ गया तो वो बन जाएगा पंडिताइन, फिर सेठ में जब आनी जुड़ गया तो वो बन जाएगा सेठानी। तो इस तरह से यहाँ पर ये शब्द हैं। अब आगे चलते हैं, आपका सेवेंथ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो सोर्स हैं, तो वर्ड्स शब्द कहाँ से आए हैं, सोर्स का मतलब, स्रोत का मतलब कि उन शब्दों का ओरिजिन कहाँ है, वो शब्द कहाँ से आए हैं। तो अगर हम उसके आधार पर इन हिंदी प्रत्ययों को अगर डिवाइड करें तो वो चार वर्गों में उन्हें विभाजित किया जा सकता है, चार तरह के डिविजन्स बना सकते हैं हम। वो है, पहला है तत्सम प्रत्यय, ये वो प्रत्यय होते हैं जो संस्कृत से आए होते हैं। फिर तद्भव प्रत्यय, जो संस्कृत से फिर हिंदी में बनकर और फिर हिंदी से आए हुए जो प्रत्यय हैं, ये वो प्रत्यय हैं। तीसरा है देशज प्रत्यय, तो जो हमारे देसी वर्ड्स हैं, जो हमारे देशी भाषा के जो शब्द हैं, वहां से जो प्रत्यय आए हुए हैं वो देशज हैं। और चौथा है विदेशज प्रत्यय, तो वो प्रत्यय जो बाहर की भाषाओं से आए हुए हैं, जैसे अंग्रेजी से आए हुए हैं या उर्दू से आए हुए हैं, तो बाहर की जो भाषाएं हैं उनमें से अगर कोई प्रत्यय आए हैं तो वो विदेशज प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसी के बेस पे आपके एट सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रत्यय दिए गए हैं, ये प्रत्यय की लिस्ट दी गई है और इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। तो एक जल्दी से मैं आपको ये प्रत्यय पढ़ देती हूँ, ई, उक, तव्य, ता, ती, ते, त्र, न, ना, म, य, या, रू, वाला, एया, वैया, हार, ईन, ये, ए, ए, एत, एरा, ओला, औटा, कर, का, डा, डी, त, तर, तह, ती। तो ये सारे जो है इन प्रत्ययों को यूज करते हुए आपको नए शब्द बनाने हैं। तो आपको सैंपल के तौर पे हम यहाँ पर आंसर्स भी दिखा रहे हैं, आप चाहें तो और अपने नए शब्द भी बिल्कुल बना सकते हैं।
फिर दूसरा आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि कठिनाई, झगड़ालू, पथरीला, घुमक्कड़, ईमानदार, गुरुत्व, मूर्खता, मौखिक, सपेरा, कलमदान, पढ़ा, अपनापन और लड़कपन। तो इन सारे शब्दों में से आपको मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल, कठिनाई बन जाएगा कठिन प्लस आई। तो हम आपको सैम्पल आंसर भी दिखा देते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हम नया वर्कशीट अपलोड करते हैं। तो थैंक यू।